परमेश्वर ने योहन्ना को आने वाले समय में आखिरी दिनों में क्या घटेगा वो सब कुछ उसको दिखाया। परमेश्वर का आत्मा उसको स्वर्ग में ले गया। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम सोचते हैं ये योहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बाइबल में लिखा है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे अनजान रहें। वो कभी भी दुनिया में कुछ ऐसा नहीं करता जो हमें पता ना हो। वो हमें लिखा है वो अपने पवित्र जनों के ऊपर अपनी आने वाली बातों को जब करता है तो प्रकट करता है पहले। हालेलुया। संसार के लिए वो नहीं हो सकती है, पर आपको पहले से पता होंगी कि ये चीजें होंगी पहले। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, एक पढ़ेंगे हम, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। किसका प्रकाशित वाक्य, किसने दिया ये? यीशु मसीह ने। किसके द्वारा? योहन्ना को दिया। हालेलुया। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। आगे लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और इसकी लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। किसी पुस्तक के विषय में ये नहीं लिखा गया कि इसको पढ़ने से आप धन्य हो जाओगे, लेकिन एक ही पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जिसको पढ़ने से ही आप धन्य हो जाते हो। हालेलुया। उसको पढ़ना ही एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो हम इसको देखते हैं। तो यहां पर हम आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, जिसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं योहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्पुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मिर्ना, पेर्गमुन, थियतीरा और सर्दीस और फिलदेल्फिया और लौदिकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीप्तें देखी, और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र, कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह के सदृश्य एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का पटुआ बांधे था। उसका सिर और बाल सफेद ऊन वर्णपाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसके पांव पीतल के समान थे, वे मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, और उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम
और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास ही हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, अर्थात उस सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सात सोने की दीपटों का भेद। वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं और वे सात दीवट सात कलीसियाएं हैं। हालेलुया। तो ये पहला जो अध्याय था है ना, पहला अध्याय बाइबल में लिखा है धरती के ऊपर आसमान के नीचे मनुष्य जाति को और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान मुक्ति पा सके, पापों की क्षमा पा सके, स्वर्ग पा सके। एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने योहन्ना को कहा कि तू जो कुछ देखता है, जो कुछ मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं उसको लिख के कलीसिया को दे दे ताकि कलीसिया भी आने वाली बातों से अनजान ना रहे। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर के द्वारा जो भी भविष्यवाणियां करी गई थी वो सारी उसमें से 70% से ज्यादा पूरी हो चुकी है। अब यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक की गई थी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, कुमारी से पैदा होगा, है ना, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसके कोड़े मारे जाएंगे। भजन संहिता में लिखा है कि उसके वस्त्रों पे लोग चिट्ठी डालेंगे। हाँ, एक एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में लिखी गई थी वो सारी भविष्यवाणियां जब यीशु मसीह धरती पर आए वो सारी भविष्यवाणियां, एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई। वो गदी के बच्चे पर बैठेगा, यरूशलेम में उसकी जय जयकार होगी, है ना। एक एक चीज जो कुछ भी उसके विषय में लिखा गया वो सब कुछ यीशु मसीह के पैदा होने के बाद वो पूरा हुआ। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे तो चेलों ने कुछ पूछा, उन्होंने कहा प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कई बार चेलों का अगर वो ना पूछते, कई बार हमारा सवाल पूछना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुतों के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी तो होती है पर वो पूछते नहीं है, समझ रहे। तो यहां पर जो चेले थे वो हमेशा उत्साहित रहते थे, कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। मैं सोचती हूँ अगर वो ना पूछते तो मत्ती 24 ना लिखा जाता, तो मरकुस 21, लुका 21 ना लिखा जाता। बहुत सारी चीजें थी, जब उन्होंने ये पूछा तो प्रभु को उनको उत्तर देना पड़ा। और वो बातें जो प्रभु ने बताई वो आप और मैं आज उसके कारण आशीषित हैं। हमने भी जाना कि वो क्या चिन्ह होंगे और हमें कैसे तैयार होना है। हालेलुया। तो अच्छी चीज है जब हम परमेश्वर के सामने क्यूरियोसिटी को जगाते हैं, हम जानना चाहते हैं चीजों को, प्रभु हमारे ऊपर चीजों को जाहिर करता है। तब परमेश्वर ने चेलों को बताया कि जब मैं आऊंगा इस दुनिया में दोबारा और जगत का अंत, दो सवाल पूछे थे कि जगत का अंत कब होगा और तेरा आना कब होगा। ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी, प्रभु ने बताया। मेरे आने से पहले दुनिया में क्या क्या घटेगा और कैसे दुनिया संसार का अंत होगा, वो दोनों चीजें परमेश्वर प्रभु यीशु ने मत्ती 24 आप घर जाके उसे पढ़ें और लुका 21 उसको भी पढ़ें घर जाके, जो यीशु मसीह ने चिन्ह दिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब बोला था कि वहां पे जो एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर जो सुलेमान के समय का था, वो ढा दिया गया, फिर बना। और जब चेले उस मंदिर के विषय में बातें कर रहे थे कि प्रभु देख कितना बढ़िया संगमरमर का ये लगा है, प्रभु ने कहा पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और ये भविष्यवाणी सन 70 AD में, अभी क्या चल रहा है 2021,
तो एक से यीशु मसीह के जन्म से समय शुरू हुआ था। जो आज का जो कैलेंडर है वो यीशु के जन्म से शुरू हुआ था। हम कहते ना एडी बीसी बिफोर क्राइस्ट, यीशु के आने के बाद, यीशु के आने से पहले। तो पूरी दुनिया, अगर आप अपनी भी डेट लिखते हो ना जन्मदिन की, तो वो यीशु की डेट से आती है। हालेलुया। तो आप कहीं भी भाग नहीं सकते प्रभु से, समझ रहे हैं आप। तो 70 एडी में जो पहली, ये 2021 है, तो पहली सौवीं सदी, जो पहला एक से 70 तक, तो यीशु मसीह जब आए थे तो 33 साल इस संसार में वो रहे, 33.5 साल। तो 70 एडी में वो भविष्यवाणी पूरी हुई थी, और बाइबल बताती है कि वो किसी राजा के द्वारा वो मंदिर क्या है ढा दिया गया, और क्योंकि वो मंदिर में सोना लगा था तो उन्होंने क्या किया, पत्थर भी कूट कूट के उसमें से सोना निकाला, जो यीशु ने कहा था कि पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा, और वो भविष्यवाणी 70 एडी में पूरी हो चुकी है। हालेलुया। और उसके बाद जो भविष्यवाणियां कही गई वो भी पूरी हो चुकी है, और कुछ पूरी होने वाली है, और कुछ अभी चल रही है प्रेजेंट में। तो आज हम उन्हीं चीजों के विषय में हम सीखेंगे। देखो, पुराने समय के लोगों के लिए जो प्रकाशित वाक्य है वो है दानियल की किताब, समझ रहे। पुराना नियम में जो परमेश्वर ने 2000 अब के समय की जो भविष्यवाणी लिखी थी वो दानियल की पुस्तक थी, और जो कलीसिया के लिए, चर्च के लिए जो परमेश्वर ने आने वाली भविष्यवाणियों की पुस्तक थी वो है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। और जब आप इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो वो सारी भविष्यवाणियां सेम एक्यूरेट बनती है। हालेलुया। तो कितने को समझ में आ रहा आज, क्योंकि शैतान हमेशा से जो परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं वो चाहता ही नहीं कि वो पूरी हो। उसने जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने 2 साल के बच्चे, हेरोदेस राजा हुआ करता था उस टाइम पर, उसने 2 साल से कम उम्र के सारे बच्चे मरवा दिए कि इस दुनिया में जो मसीहा है वो पैदा ही ना हो। हालेलुया। क्योंकि जब लिखा है दूसरे देश से ज्योतिषी आए और उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि यहूदियों का राजा वो मसीहा इस दुनिया में पैदा हो गया है, तो हेरोदेस को लगा कि मेरा राज्य छीन जाएगा, तो उसने सारे बच्चों को मरवा दिया था। समझ आ रही है आपको कि खुदा ने ये भविष्यवाणियां लिखी हमारे लिए, लेकिन शैतान भी जानता है और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये भविष्यवाणी पूरी ना हो, पर ये प्रभु ने लिखी है जिसका वचन कभी टल नहीं सकता। वो कहता है धरती और आकाश टल सकते हैं पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप। तो वो भविष्यवाणियां तो पूरी होंगी पर शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है। आप जानते हैं कि कई बार शैतान ने यीशु को क्रूस पे बलि होने के लिए रोका। एक बार पतरस के द्वारा, ना प्रभु तू ना जाए क्रूस से। एक बार शैतान ने कहा दुनिया का सारा धन तुझे देता हूं, मेरे मुझे दंडवत कर। आप जानते शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, लेकिन वो कुछ चीजें जानता है। हो सकता है वो 80% जानता हो पर वो 100% नहीं जानता प्रभु के प्लान को, वो किस रीति से पूरा होगा। हालेलुया। तो कितने कितने को समझ में आ रहा है। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि इस धरती पर परमेश्वर का राज्य आए, इसीलिए वो आज भी कलीसिया के खिलाफ कार्य करता रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं, हमने यीशु मसीह का वो रूप, उस समय इज़राइल में चर्च शुरू हुए, इंडिया में 12 चेलों में से एक चेला थोमा आया और वहां से चर्च शुरू हुए साउथ से, और यूनान में भी, मकदूनिया में,
बहुत सारी चर्च शुरू हुई और इस तरह जो कलीसियाएं थी वो पूरी दुनिया में खुदा की जो खुशखबरी थी, जो उद्धार और मुक्ति का संदेश था, पूरी दुनिया में फैल गया। हालेलुया, क्योंकि ये काम किसी इंसान का नहीं था, नहीं तो बंद हो जाता, पूरे संसार में नहीं जाता ये काम। हमेशा लोग उस वचन के विरोध में रहे, खुदा के सारे दासों को काटा गया। पूरी बाइबल का एक एक अक्षर खून से लदा पड़ा है। करोड़ों लोग मारे गए, एक दो की बात नहीं कर रही मैं, करोड़ों करोड़ लोग मारे गए ताकि ये वचन लोगों तक ना पहुंचे, ताकि इंसान मुक्ति ना पा सके, इंसान अनंत काल के लिए नरक में जाए। शैतान ने इस वचन को रोकने की कोशिश की, जो आज भी कर रहा है वो, और करता रहेगा जब तक यीशु नहीं आता। लेकिन मिटाने वाले मिट जाएंगे, क्योंकि वो इंसान है, वो अपने बनाने वाले को कभी मिटा नहीं सकते, उसका काम हमेशा चलता रहेगा। हालेलुया, जिसने हमें बनाया हम उसको मिटाने चले, ये हो नहीं सकता। हालेलुया, तो हम यहां पर देखते हैं, आप जानते हैं 7 चर्चों को ये लेटर लिखे यीशु मसीह पिता के द्वारा, और ये 7 कलीसियाएं उस समय पर दुनिया में थी। कैसे पता? क्योंकि हमने पौलुस की पत्रियां जो हमने पढ़ी है, रोमियो की किताब, इफिसियों की किताब, तो उस वो पहले से थी। तो उन 7 कलीसियाओं में जो कमियां थी वो आज भी दुनिया की हर कलीसिया में मिलती है। हालेलुया, तो अगर हमें, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन सी कलीसिया में हैं, और अभी हमें क्या चीजों को अपने जीवन में सुधारने की जरूरत है जब हम इस पत्रियों को पढ़ते हैं। हालेलुया, तो वो 7 तारे क्या थे? 7 चर्च और 7 दूत, वहां के 7 प्रेरित पास्टर जो थे। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रही है? और ये चर्च की कमियां कौन देख रहा था? बोलो, खुद परमेश्वर कलीसिया की कमियों को देख रहा था। किसने बताई? खुद परमेश्वर ने बताई, और खूबियों को भी देख रहा था। हम यीशु मसीह 7 चीजें जो कलीसिया में वो बताता है हमें। आप जानते हैं, जो कलीसिया ज्यादा सताव से जाती है वो यीशु को ज्यादा भाती है, वो ज्यादा खरी होती है। हालेलुया, तो सताव से कभी डरे मत। हमारा इस किताब को आखिरी दिनों में जानना बहुत अधिक जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? अगर इनमें से कोई कमी रह गई फिर मत कहना पता नहीं था। तो यहां पे 7 चीजें जो प्रभु ने कलीसिया में हमें बताई, हम दूसरे चैप्टर में हम इन 7 कलीसियाओं को जो परमेश्वर ने पत्र लिखे उसके विषय में हम देखते हैं। तो जो पहली कलीसिया थी वो थी इफिसुस की कलीसिया। ये जो नाम है इफिसुस, पिरिगमोन, सिमुरना, ये जगहों के नाम है। हम कहते हैं चंगेरा चर्च, सनोली चर्च, कहने की नहीं। तो ये जो चर्च थी ये इफिसुस में थी। इफिसुस एक बहुत बड़ा बिजनेस हब था, बहुत बड़ा शहर था एक, जहां पर ये कलीसिया पाई जाती थी। सुमरना भी एक जगह थी, और थियोतुरा, सर्दीस, फिलेदिपिया, ये सारी जगहें थी, और इन जगहों के मीनिंग भी थे, और उस मीनिंग के से ही परमेश्वर बात करता उस कलीसिया से। तो सबसे पहले क्या लिखा है? इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। ये कौन सी कलीसिया को पत्र लिखा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा? यूहन्ना लिख रहा है पर प्रभु बोल रहा है। कौन सी कलीसिया? इफिसुस की कलीसिया, है ना? जो, और यहां पर दूसरी चीज, यीशु अपने करैक्टर को भी बता रहा है, अपने चरित्र को बता रहा है इस चर्च को। जो 7 तारे उसके दाहिने हाथ में लिए हुए है
और सोने की सात दीप्तों के बीच में फिरता है और कहता है कि, अब दो में क्या लिखा है, उस कलीसिया के काम जो वो चर्च करती थी, लिखा है मैं तेरे कामों और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आपको पता है आप कई बार बहुत कष्ट सहते हो, आप चर्च आए हो पर आपके घर में बहुत कलेश हुआ है, तू क्यों चर्च जानी है, हा? आप विरोध सह के आए हो पर आपके अंदर प्रभु के लिए एक भूख थी, नहीं जिन्ना मैनू कुट भी लै ना फिर भी मैं जाना है प्रभु दे, मैनू शांति मिलती है उत्थे जाके, मैनू आनंद मिलता है, मैनू तसल्ली मिलती है प्रभु दी, मेरे अंदर भुख प्यास है। तुसी सताप सह के भी परमेश्वर दी सेवा कर रहे हो, है ना, परमेश्वर दे नेड़े आ रहे हो। प्रभु कहिंदा मैं तेरे परिश्रम नू, तेरे कम्मां नू और जिहड़ा धीरज संयम तेरे अंदर है मैं उसको जानता हूं, तू मेरे लिए क्या दुख उठा रहा है, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे नाल नहीं बैठता, बुरे नूं देख भी नहीं सकता तू। प्रभु क्या बता रहा है, उस कलीसिया का करैक्टर चरित्र वहां के कामों के विषय में बता रहा है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ जेडे लोग कहते हैं असी बहुत सानू ज्ञान है पर वो उन्हां दा जेड़ा चरित्र है जेड़े गुण ने वो नहीं है उन्होंने अंदर, तो कहते कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उनको परख के तूने झूठा पाया, तूने उन्होंने परख लिया, नहीं नहीं ए प्रभु दा बंदा नहीं ये गलत गल कर रहा है, तू धीरज धरता है। प्रभु क्या कर रहा है, तू धीरज धरता मेरे लिए और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं, तू मेरे लिए दुख सहता है और दुख उठाते उठाते थका नहीं है। समझ लो ये क्या है, उस कलीसिया की पहचान है, वो कलीसिया क्या है, सताव सहती है, दुख सहती है, धीरज धरती है ना, ये सारी चीजें, वो झूठों के साथ नहीं, पखंडी नहीं है, वो सच्ची कलीसिया है। लेकिन फिर भी अब सबसे नंबर वन वो कौन सी कलीसिया को संदेश दे रहा है, नंबर टू यीशु का चरित्र वो कौन है वो बता रहा है, और नंबर तीन वो कलीसिया की पहचान उसके कामों के द्वारा, और जो चौथी चीज है वो है कलीसिया की कमी। हाँ अब वो क्या कहता है, मैं जानता हूं तेरे सारे काम ठीक है पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, और वो कौन सी है, इसलिए पर मुझे तेरे विरुद्ध मैं ये कहता हूं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, जो प्रेम तेरे अंदर पहला पहला था ना वो तूने छोड़ दिया है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद आज बहुत सारे लोगों ने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, जब लोग मसीह में आते आते हैं ना वो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत समय देते हैं प्रभु को, प्रभु के लिए प्रभु सब जान दे देंगे तेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रभु के लिए करते तो सब कुछ है पर उनका जो पहला लव होता है, पहला प्रेम होता है, जैसे जब एक किसी की शादी होती है, हाँ तो पहले साल बड़ा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, बड़ा प्यार, बड़ा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, चीजें लाते हैं ना, बहुत प्यार होता है पर, लेकिन धीरे 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 क्या होता है उस मैरिज में से, जब उसका ध्यान नहीं तो वो कम होता जाता है, हाँ फिर तो ऐसे ही प्रभु क्या कह रहा है, वो पहला प्यार, पहला लव तूने छोड़ दिया है। अभी सोचो क्या प्रभु को हमारी कमियां नहीं बतानी चाहिए, बोलो बोलो बोलो, नहीं बतानी चाहिए। दाऊद ने एक पाप किया था, अगर प्रभु चाहता तो ना लिखता, किसने लिखवाया था वो, बोलो मूसा से वो पांच किताबें किसने लिखाई थी, परमेश्वर ने। अब मूसा को क्या पता उत्पत्ति में कौन से दिन क्या बना था, किसने बताया था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया था। तो अब दाऊद ने जब पाप किया तो किसने बताया कि ये इसको लिखो, परमेश्वर ने, क्यों, प्रभु चाहता तो, प्रभु तो कहता था कि दाऊद मेरे मन का सा व्यक्ति है, दाऊद से मैं प्रेम करता हूं, दाऊद जैसा कोई है ही नहीं है, फिर दाऊद की कमी लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी, दाऊद का पाप लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी प्रभु को। नहीं, प्रभु हमें कभी भी एक कमी भी नहीं चाहता, वो हमें सिद्ध देखना चाहता है, परफेक्ट देखना चाहता है। फिर परमेश्वर क्या कहता है, अब प्रभु पांचवी चीज क्या कहता है, सुधारना।
अपने आप को उस कमी को सुधारना प्रभु की, उसके लिए क्या करना है? पश्चाताप, प्रभु मुझे माफ कर। हाँ प्रभु तूने मुझे बताया, मैं भी महसूस करता था प्रभु मेरा वो पहला प्रेम, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ कर परमेश्वर, मैं फिर से प्रभु खड़ा हूँ, फिर से प्रभु वही प्रेम करूंगा। समझ रहे हैं आप? आप पश्चाताप, क्या लिखा है? फिर प्रभु कहता है इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा, वो केड़ी गल सी जिदे नाल तू बुरा मन्या, वो केड़ी गल सी जितो तू गिर गया, तू क्या बस ठीक है मैं चर्च तो जावांगा हुन बाकी मैं वो चीज नहीं मेरे अंदर रहनी, मैं ठीक है प्रभु फर्ज तो पूरा करूंगा पर वो प्रेम नहीं है मैं बस। समझ रहे हैं आप? प्रभु कहता है याद कर क्या घटना घटी थी, किसके साथ तेरी बहस हुई थी, किसके कारण तेरा पहला प्रेम खत्म हो गया, कौन सी बात थी वो जिसने तेरे पहले प्रेम को खत्म कर दिया। याद कर उस बात को, तू कहां से गिरा, किस दिन के बाद तेरा पहला प्रेम खत्म होना शुरू किया, याद कर उस दिन को। और कहता है और मन फिरा, पश्चाताप कर और पहले के समान काम कर, पहले के समान प्यार के साथ, पहले प्रेम के साथ, आग के साथ तू मेरा काम कर। और तू फिर परमेश्वर क्या करता है यहां पे, छठी चीज जो है वो चुनौती है, प्रभु चेतावनी देता है यहां पर छठी चीज कलीसिया को कि यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और इससे बात कहता है जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कितनों के पास कान है? हाँ, पवित्र आत्मा पूछ रहा है। तो प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए। अब प्रभु क्या कहता है? इनाम देने की बात कर रहा है। यदि तू अपनी कमियों पर जय पाए तो मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, ये वही जीवन के पेड़ का फल है जो अदन के बाग में था। हाँ, हप्पा ने कौन सा खाया था, अच्छे और बुरे का? अगर वो जीवन का पेड़ का फल खा लेती तो कभी मरती ना। लेकिन प्रभु अब हमें कौन सा जीवन का फल देगा जिसको खा के इंसान कभी भी मरेगा नहीं। प्रभु कहता मैं तुझे जीवन के पेड़ का फल खाने को दूंगा। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहे हैं? तो कलीसियाओं में जो पत्रियां हैं उसमें सबसे पहले कौन सी कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, फिर उस कलीसिया के गुण क्या है, खूबियां क्या है, तीसरा उस कलीसिया नहीं दूसरा है यीशु का चरित्र, यीशु कौन है वो बताता है अपने बारे में, और उसके बाद कलीसिया के कामों के विषय में, और चौथा कलीसिया की कमियां, और चौथा सुधार का कार्य, और छठा प्रभु चुनौती देता है कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं ये कर दूंगा, और छठा सातवां क्या है, प्रतिफल, अगर तू मन फिराएगा तो मैं तुझे ये प्रतिफल दूंगा, ये गिफ्ट दूंगा, ये चीजें दूंगा, ये स्वर्ग में तुझे, स्वर्ग में वो सारी चीजें प्रभु हमें देगा। तो ये सात चीजें हमें क्या करना है, इनके साथ अपने आप को देखना है कि हम कहां खड़े हैं और कौन सी कमियां। ये जो सात कलीसियां थी जिनको सात पत्रियां लिखी थी, ये पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं, और आज भी पूरे संसार में ये सात प्रकार की चर्चें पाई जाती हैं, और ये कमियां जो सात कलीसियाओं में थी आज भी पूरी दुनिया में ये कमियां कलीसिया में पाई जाती हैं। तो हमें आज देखना है हम कहां खड़े हैं और हमें कहां पे सुधार करने की जरूरत है। हालेलुया।